अगर वो करेंगे मंडी बंद तो हम करेंगे भारत बंद, और निश्चित से नरेंद्र मोदी देश विरोधी, तो कहीं ना कहीं वो करेंगे निजीकरण तो हम करेंगे भारत बंद। जमीन उनकी है, धमक हमारी है, आगाज उन्होंने किया है, अंत हम करेंगे। तो नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हमारे साथ बीएसएफ के जवान मौजूद हैं। तो उनसे ही जानते हैं कि जो भारत बंद का ऐलान किसान नेताओं ने किया है उसमें क्या कुछ होने वाला है, और बाकी के जो भारत बंद, पहले के जो भारत बंद हुए हैं उससे ये कैसे अलग रहने वाला है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भोजन टीवी पर। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। सबसे पहले आपने सवाल किया भारत बंद से। देखिए, भारत बंद करने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो करेंगे मंडी बंद तो हम करेंगे भारत बंद, और निश्चित से नरेंद्र मोदी देश विरोधी, तो कहीं ना कहीं वो करेंगे निजीकरण तो हम करेंगे भारत बंद। तो कहीं ना कहीं जमीन उनकी है, धमक हमारी है, आगाज उन्होंने किया है, अंत हम करेंगे। तो सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं आज पूरा देश रोड पे आ गया है। आप रोड पे नहीं बैठने दे रहे हो, कहीं वाटर कैनन, कहीं आंसू गैस के गोले, कहीं रबड़ की बुलेट, और दिल नहीं भरता तो आप किले लगा देते हैं। क्या ऐसा ही लोकतंत्र होता है? 28 तारीख घटना आपने देखी होगी, जिस तरह से कानून के पन्ने फाड़े जा रहे थे। जो यहाँ का विधायक था लोनी का, वो कहता था पुलिस वालों के साथ तुम भी मारो और हम भी मारेंगे। क्या यही लोकतंत्र होता है? जिस तरह से हमारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ छीन ली गई, महिलाएं थी, बूढ़ी बूढ़ी बुजुर्ग थी, सब लोग थे यहाँ पे, हमारा पानी बंद कर दिया, नेट बंद कर दिया गया, क्या यही लोकतंत्र होता है? जिस तरह 600 किसानों की शहादत हुई, हमने सर्दियों में सुकड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे हैं, लेकिन सरकार के माथे पर सिकन नहीं, ऐसा लोकतंत्र होता है? हमें आंदोलनजीवी, हमें माओवादी, खालिस्तानी, हमें पाकिस्तानी, प्रो चाइनीज प्रो किया कहा गया, क्या यही लोकतंत्र होता है? क्या ऐसी सरकारें होती हैं? तो कहीं ना कहीं ये जब हमें आंदोलनजीवी कहेंगे तो हम करेंगे भारत बंद, एक जब निजी करेंगे भारत, जब मंडी बंद करेंगे भारत बंद करेंगे हम। जी हाँ, तो जो हमारी लोगों की आकांक्षा है, जो एमएसपी बिल, साथ में चीज़ जोड़ना चाहूँगा, विपक्ष कहाँ है? विपक्ष अभी तक घोषणा क्यों नहीं कहा कि हम भी भारत बंद के साथ हैं? इस देश के जो धर्माचार्य बनते हैं, जो मनुवादी सोच के, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, पता नहीं कौन कौन है, कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सवाल है, इसलिए भारत बंद करें। जी, अगला सवाल पूछिए। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि प्रशासन अच्छा है, सब कुछ व्यवस्था ठीक है, ऐसे में एक मठाधीश की हत्या हो जाती है, अब हत्या है या आत्महत्या है इस पर अभी तक संदेह है, इस पर क्या कहें? मठाधीश पर चर्चा क्यों? मैं ये कहता हूँ, आम आदमी आज मर रहा है, आम आदमी आज गिर के सड़कों पे गड्ढे हैं, गिर के मर जाए उसका मुआवजा नहीं मिलता, ट्रेन लेट हो जाए उसका मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन हम अगर हेलमेट नहीं लगाते हैं, हम मास्क लगाते हमारा चालान कटता है, क्या ऐसे सरकार होती है? ये सरकार जो है, मैं कहना चाहता हूँ, 70 साल से हमारे कांधे पे हल था, लेकिन हमारी समस्याओं का हल नहीं, फिर भी भारतीय संसद मौन है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक ऐसा भी आदमी है जो रोटी से खेलता है, फिर भी भारतीय संसद मौन है। 1947 से भारत आज़ाद हुआ, लेकिन कौन आज़ाद हुआ? शहर, शहर मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, आम जनता आज रोड पे है, आम जनता 70 साल से मर रही है, तो फिर सवाल क्यों वो मरे? ये जो सत्ता है भारतीय संसद, आपके प्रश्नों का उत्तर है कि ना हिंदू की है, ना मुस्लिम की है, ना सिख की, ना ईसाई की है, ये सिर्फ सत्ता की है। सत्ता के लिए अपने भाई को गला काटना पड़े, अपने भाई को रौदना पड़े, किसी मठाधीश को मारना पड़े, किसी किसान मजदूर को मारना पड़े तो मार देती है, चाहे उत्तर प्रदेश में बैठा योगी हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे एनी वाई कोई हो। ये जो भारतीय संसद, संसद जो व्यवस्था हमारी चल रही है, वो सिर्फ सत्ता भोगी है, उसके आगे जो आगे भी आएगा रौद जाएगा। और देखिएगा, जिस प्रकार से आप कैप्टन अमरिंदर सिंह का बिगड़े बोल रहे, कल वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, इसी किसान आंदोलन को कोसेंगे, जिस तरह 13 जगह चल रहे थे आंदोलन, बोला कि हटा लीजिए, आप देखेंगे इसमें राजनीति की स्टंट निकलेगा कहीं ना कहीं। तो वोट की राजनीति चल रही है, ये किसी के नहीं है। जी हाँ, पूछिए। आप भारतीय सेना में रह चुके हैं और उसके बाद अब आप यहाँ किसानों का समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आती हूँ मैं आपके पास, अब किसानों का समर्थन कर रहे हैं, किस चीज़ ने प्रेरित किया आपको किसानों का समर्थन करने के लिए? मैं कहना चाहता हूँ, जवान कौन, किसान को ही तो बेटा है। एक समय था 18 साल के पहले मैं अपने बाप की उंगली पकड़ खेत पर जाया करता था, मेरा बेटा जाता है, जवान कौन, हम ही जवान, हम ही किसान। तो फिर जब मेरा बाप आज खेत खलिहान परेशान है तो उसका बेटा क्यों नहीं? आज जानते हैं, सरहद पे खड़ा जवान परेशान है और उसका बाप खेत खलिहान में, उसे आप रोड पे नहीं बैठने दे रहे हो, वाटर कैनन छोड़ रहे हो, क्यों नहीं आएंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं, निश्चित रूप से इनका जहाँ पसीना बहेगा वहाँ जवान खून बहा देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली की सीमाओं पे या करनाल में आमने सामने यही किसान और यही जवान खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं त्रासदी इस यहाँ का सिस्टम की बनावट ऐसी है कि हम कहते हैं पुलिस किसके लिए है, बताइए, जनता के लिए होनी चाहिए, लेकिन पुलिस को यूज किया जाता है
इस सत्ता की जो है एक एक हथियार होता है कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारे। तो कहने का मतलब इस ये इनको यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो, ये हमको उनसे लाते हैं। जानते हैं हम गरीब हैं, हमारे बाप अभी मजदूरी कर रहे थे, अभी नौकरी मिली है, तेज बहादुर यादव क्या हुआ, बर्खास्त कर दिए गए। ऐसे बहुत से आप गूगल में खोजेंगे, जब लोग जवान कोई बात उठाता, अभी पता है किसान आंदोलन के बारे में जिस जवानों का उनके ऊपर जांच बैठा के सस्पेंड कर दिया गया, तो इसलिए गरीब है हम, करें तो करें क्या, हमारे बाप और बेटों को लाते हैं रोटी के लिए। आज रोटी को ही आप कहीं ना कहीं तिजोरी बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जवान जो बागी जवान है, जो क्रांतिकारी जवान है, वो आएंगे सामने और हम इसीलिए यहाँ आए थे। जी, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में जहाँ चुनाव है वहाँ क्या होगा, आपको क्या लगता है? जी, सत्य जीतेगा, सत्य हमेशा जीता है। रावण गया, कंस का, दुर्योधन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी गई, मुगल गए, यहाँ तक कि पूर्ववर्ती सरकारें भी गई। जो इस समाज के विपरीत, जो आम जनता के विरोध में काम करेगा उसको जाना ही होगा। देखिए ये तो कम मजबूत है, कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत थी, आज कहाँ है, वो भी तो किसानों के विरोध में थी। तो कहने का मतलब इन्होंने जनता से जो लिया है पंगा, निश्चित जमींदोज होंगे, इसको हराया नहीं जाता, हराएंगे किसी को हराएंगे तो फिर पनपेगा, इसको जमींदोज किया जाता है। हम पाँचों राज्यों में इनको जमींदोज कर देंगे, एकदम नस्ते नाबूद करके खत्म कर देंगे। जी।